Hey guys, welcome back to the another video. My name is Traction and आप लोगों का वापस स्वागत है की नाम है यार। ये बोलने के लिए मैं काफी ज्यादा तरस चुका था। आई मीन इतने टाइम बाद मैं कोई गेम प्ले वाली वीडियो बना रहा हूँ। जो अभी रिसेंटली जो तुमने दो वीडियो देखी होगी, दो या तीन वीडियो देखी होगी, वो पहले से रिकॉर्डेड थी, जो कि मैंने आई थिंक 3 महीने पहले बनाई थी। सो उसके बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूँ जो कि गेम प्ले वाली है। देखो मेरे को स्टोरी पता है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे इस गेम को थोड़ा बहुत वापस से खेलना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरी सिस्टम सब खराब हो गया था और वगैरह वगैरह। एनीवेज उसमें मेरी सारी फाइल्स भी करप्ट हो गई थी, तो मेरे को इस गेम को वापस से खेलना पड़ा। सो हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो लास्ट टाइम जो तुम्हें एपिसोड में देखा होगा कि हमने तारू का वो अपने को नई बो वाली एबिलिटी मिली थी आई थिंक, जो कि जिससे मैं मार सकता हूँ ऐसे करके। और हाँ, ये दोनों बेनियों शायद, तो हाँ ये दोनों भाई है एक दूसरे के, और इनका एक और बड़ा भाई है जिसका नाम है तारू, और हम उसकी तलाश में हैं। और हमें ये जो मेहंदी जैसी, मेहंदी नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलते हैं, एक रंगोली टाइप है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। एक टास्क मिला है जो कि अपने को, सो हाँ उससे ये वाला आई थिंक एक पोर्टल है वो खुलेगा जिससे हम तारू के पास जा सकते हैं, ऐसा कुछ है। पर अलग अलग रेल्म्स में जा करके, आई थिंक कि रेल्म्स कोई परफेक्ट शब्द नहीं है उसके लिए, पर हाँ ऐसा कुछ है जिसको अनलॉक करने के लिए मुझे ये सारे ऑरेंज या फिर येलो करना पड़ेगा इन लोगों को। सो हाँ अभी भी हम लोग तारू की तलाश में है। सो अपन ने लास्ट टाइम ये वाला ओपन किया था, और अब अपन को जाना है यहाँ पर, जो कि आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ, हाँ जो कि ये वाला स्पेस अभी तक खुला नहीं है। सो या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम लोग भी एक्साइटेड होगे मेरी तरह शायद, वो पता नहीं। मुझे पता है ये सीरीज़ काफ़ी लंबी खींची जा रही है, क्योंकि मैं या देखो हिंट यहीं कहीं होते हैं, बस तुम्हें ढूंढने की देरी होती है। हैं भाई अभी हिंट ही नहीं मिल रहा भैंस की। ये मैं कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। अरे जी हाँ, मैंने यहाँ पर बड़े मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, राइट कीना, मैंने कर चुका हूँ ये काम धाम कर चुका हूँ मैं। आई डोंट नो, मेरे को कुछ याद नहीं। अरे भैंस की, मैं कर चुका हूँ ये, मैं इतना कन्फ्यूज क्यों, रुको मैं कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से पता है। मेरे को सेव फाइल्स में देखना पड़ेगा। व्हाट द हेल क्या हो रहा है मेरे साथ। अपन रूसू के हाउस पे थे जहाँ तक मुझे पता है। हाँ अब सही है, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था, मैंने सब चीज़ खोल दी थी, अब सही है, अब समझ में आ रहा है। हाँ अब इस गेट के आगे से जाना है, आई थिंक इस गेट के आगे से जाना है ना, व्हाट द हेल। यस हाँ, तो हम लोग अभी भी तारू की तलाश में है, और अब मुझे ये वाला खोलना है जो कि आई थिंक एक नया पोर्टल है जिससे मेरे को वो अपनी रंगोली कंप्लीट हो जाएगी, और मेरी डंपलिंग आर्मी भी मेरे साथ है हमेशा की तरह। जी हाँ हमेशा की तरह। मेरे को थोड़ा है ना वापस से कंट्रोल समझने की ट्राई करना। ओके यार मैं सब भूल गया हूँ, सही बताऊँ तो पता है मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे रुक जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वही है धीरे धीरे सीख लेंगे। ओके अब सही है, धीरे धीरे मैं वापस से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल्स, क्योंकि इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ, पर वही है कि हो जाएगा। मेरे को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी हेल्थ अपग्रेड भी होती है, पर वो देखना पड़ेगा कहाँ होती है, किस जगह होती है। भाई देखिए जगह देखो यार, कुछ नहीं यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर वो एक कुछ रखना पड़ेगा जिससे मैं अपनी डंपलिंग आर्मी को एक बीस्ट में तैयार कर सकूँ, उसके बाद ये सारा जितना भी कचरा और ये सब फेल रखा है ना उसको हटा सकूँ। पहने वेज अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो नीचे जाके देखते हैं। अरे डंपलिंग्स भाई, तुम्हारा मार्केट यार, मैं सही जगह जा रहा हूँ, मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ। तुम लोगों के लिए अभी टोपियाँ खरीदने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो इकट्ठे कर ले के बाद में खरीदते रहेंगे तुम्हारे लिए टोपियाँ। मुझे पता है कि लास्ट टाइम मैंने ये वाला गेट खोला था, अब इस गेट के बाद कहाँ जाना है मुझे कोई आइडिया नहीं। रुको ये सब हटाने भी पड़ेंगे, साइड टास्क भी मुझे निपटाने पड़ेंगे जिससे मैं ये इन विलन्स को मार सकूँ फटाफट। मारो भैंस की। ओह डंपलिंग, फाइनली इतने टाइम बाद एक डंपलिंग कलेक्ट हुआ है, बताएं आर्मी बड़ी करनी है अपने को, यूनिटी में रह के मैथ्स की। बस भाई 65 चाहिए मुझे, कहाँ से लूँगा, अभी 39 ही है, इससे आधे से ज़्यादा चाहिए। अब मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, पर मुझे करना क्या है, मुझे क्लू ढूंढने पड़ेंगे जिससे मेरी प्रोग्रेस हो। बाय द वे पर अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए अपन ऊपर चढ़े गए। वैसे ये बाय द वे जो छोटे मोटे टास्क जो है ना, जैसे कि ये कलेक्ट करने वाली चीज़ें, सिर्फ डंपलिंग कलेक्ट हो गए तभी मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, बाकी फालतू की चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा। जस्ट लाइक दिस वन, ये दिखाने लायक चीज है जिससे स्टोरी कंटिन्यू हो।
सो ये अपने को ले जाएगी तारू के उस पोर्टल के पास जहाँ पर हमें जाना है आई थिंक। ओह यस, बैक स्टोरी। मैं पता नहीं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ कि इसकी तारू की स्टोरी जानने के लिए, पर मैं ओके बाद में बात करते उसके बारे में, अभी कुछ तो वह भयानक चीज़। पर मैं कीना की स्टोरी जानने में ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये करप्टेड है, ये करप्टेड है, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ? फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके अब यहाँ आ गया, यहाँ रास्ता ब्लॉक है, क्या किया जाए कुछ आइडिया नहीं मुझे, और मुझे जाना भी इधर ही है। लेट्स सी, देखो अभी कुछ मैन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो अपन है ना सिंपली, ओ अच्छा ये देख भी सकता हूँ, ये ऑरेंज ऑरेंज तो दिखाता है साथ में, ये जो अरे अभी तो दिखा रहा था कहाँ चला गया, ये येलो वाले भी, अरे आई मीन ब्लू वाले भी दिखाता है मुझे, येलो और ब्लू दोनों भी दिखाता है यहाँ पर, ये शायद हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, ब्लू सिंबल भी इधर ही बता रहा है। अबे ले दे के मैं तो इसी पे आ गया, टिंडे का ब्लू सिंबल भाई, क्या करूँ मैं। ओके अब समझ में आया मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। ऑलराइट तो मुझे ये करना था, ये छोटी छोटी चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें। ओके अब हो रहा है, अब डंपलिंग भाई तुम लोग है ना इसको यहाँ पर प्लेस कर दो, अब मैं ना ये इनको वो बना करके, हाँ इस तरह का फॉक्स बना करके मैं ये सारी करप्शन वाली चीज़ें हटा सकता हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। आ जाओ भाई, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है पर वो ये धीरे धीरे हो जाएगा, हट जाओ। तुम्हें पता है ये चीज़ कंट्रोलर में करना बहुत ज़्यादा इजी है पर माउस एंड कीबोर्ड पे करना बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ भाई आने दे आने दे, इसकी ऐसी कितने ऐसी, हट जाओ बीमारियों, सारा करप्शन हटा देगी इसकी ऐसी कितने ऐसी। तुम्हें से खड़े खड़े मैंने मुंह क्या देख रहे हो, कुछ तो करो। एनीवेज सारा काम हो गया, ओ नाइस, सारी गंदगी हटा देनी है इसकी ऐसी की तैसी। ओके नीट एंड क्लीन, ये तो वैसे काफी 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 ज्यादा वो था, सिंपल था। आ जाओ भाई डंपलिंग्स, तुम्हारा खाना खा लो। अब पीछे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या चीज़ छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एरिया था जहाँ पर मेरे को जाना है, आई थिंक वो मेडिटेशन वाला एरिया हो सकता है, मैं फटाफट जाके आता हूँ। आहा क्या बोला था मैंने, मेडिटेशन टाइम, रिलैक्स करते हैं माइंड को, फ्रेश करते हैं, रिलैक्स करो भैंस की एनर्जी कंज्यूम करो और अपने ब्रेन में डालो। ओह ये तो वो वाली जगह है पानी वाली, हेल्थ अपग्रेड करने का अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फीलिंग मिलती है, एक अलग ही प्रोग्रेस फील होती है। आई थिंक ये वाला एरिया अपन ने क्लियर कर दिया था, जी हाँ ओके ये नहीं किया था। मानी 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 ये एरिया क्लीन करना ज़रूरी था। एनीवेज ओके सारे एरिया, एक सेकेंड मैं एक कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ आई थिंक, ये वाली कौन सी जगह है, वेट अ मिनट, हेलो, ओह नो आई थिंक मुझे यहाँ पर नहीं जाना था, पर एनीवेज अपन लोग आए गए। ओह ओह व्हाट इज दिस एरिया भाई, काफ़ी पीसफुल लग रहा है, अगरबत्ती सी जला रखी है यहाँ पर,
ओ भाई एकदम गूज़बम्प्स आ गए मुझे, मजा आ रहा है देख करके। हाय हाय वो आई थिंक नहीं, शायद मुझे यहीं जाना था। हेलो व्हाट द हेल, बॉस फाइट आई थिंक। जी हाँ बॉस फाइट। अबे तेरे तो मसल सी है थोड़ी। अबे एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जाओ, मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था भाई। तेरी खोपड़ी पे निशाना मारूं? थोड़ा टाइम प्लीज यार, ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। कैसा लगा भाई? चिल कोजो को भी मारना पड़ेगा क्या? ओ मेरा शॉट एकदम परफेक्ट लगा, देखा तुम लोगों ने? ओके ओके, मेरा गेम अटक रहा है, सॉरी भाई। भाग जाए यहां से। हीलिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा भैंस की। भाई ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एनिमीज इसको निपटा सकते, बस मेरे को फोकस करके उसके डायमंड पे मारना पड़ेगा। बस भी जैसे तैसे करके इसकी पीछे चला जाऊं, पर ये पीछे जा नहीं पा रहा ना, वही दिक्कत है। हाँ अपने बंदों को मार भैंस की, तो है मार। आई थिंक यही रास्ता है जिससे मैं इसको आराम से निपटा सकता हूँ। कैसा लगा भाई? अरे हैमर स्पैम करते हैं इसकी ऐसी की तैसी जो भी हो। अरे रुक जा, अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई। यार ये तो बवासीर से मचा रहा है ये भाई, ये अपने छोटे टिंगोले भेज रहा है जो कि बहुत ख़राब चीज़ें हैं। ओके और मैं मरे ही जा रहा हूँ। हाँ भाई स्पैमिंग चालू है मेरे तो दबा के। नोप भाई मेन बॉस पे फोकस है मेरा, पता है, क्योंकि इन अगर इन छोटों को मारने पे रहूंगा ना, और होगी बेइज्जती। स्पैमिंग टाइम। अरे स्पैमिंग नहीं हुआ है, भैंस की बेइज्जती हो गई मेरी। ये ले भाई आया मजा, पर मैं डम्बलिंग जी नहीं है। ओ ये कैसे किया मैंने भाई? वो क्या था, मैंने कुछ तो भयानक सा किया था, पर पता नहीं समझ भी नहीं आ रहा है, और मैंने इसको हरा दिया भाई। कुछ तो किया था मैंने जिससे मैंने उसको धक्का दिया था। ये तो वैसे इजी था वैसे। आई थिंक कोई मेमोरी मिली अपने, आई डोंट नो। फ्री तारो, अरे वो ही तो करना है, पर कैसे? ओ लालटन, गिव मी ऑल दैट मनी। तुम लोग थक गए होगे तो तुम्हारे लिए बेरीज है, खा लो भाई। और यहाँ पर कुछ बचा है? वैसे फिलहाल के लिए कुछ बचा नहीं, इस मॉन्स्टर को अपन ने मार दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो हो सकता है कि ना कि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँ भी तो भी ये लंबी हो ही जाएगी। सो वही है कि आई थिंक हो सकता है कि थोड़े एपिसोड्स लंबे हो सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इनको शॉर्ट बनाने की, पर ट्राई यही रहेगा कि मैं इसको थोड़ा छोटी बनाऊँ जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। हेलो मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकता क्यों भाई? हाँ ओके। अरे रात हो गई और अब अपन को जाना है उधर, जो कि काफ़ी अपोजिट जगह है। ऑल राइट। ओ माय गॉड भाई डर गया मैं। ओ हेलो तारू, अच्छा ये भी स्टोरी के ही पार्ट है। ओके अब इसको रखना किधर है? ओ इसको आई थिंक यहाँ पर रखना है। यहाँ पर ले उस लालटेन को, मे बी मुझे और कोई हिंट मिलेगा। ओके लेट्स सी।
ये किधर जा रहा है? देखो इस इंटरेस्टिंग तो है, तुम मानो नहीं मानो स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है, मज़ा आता है पजल सॉल्व करने में, पर वही है कि बस तुम्हें इस गेम के साथ थोड़ा टिका रहना पड़ेगा तुम्हें थोड़ी चीज़ें समझने के लिए। ओके थोड़ा मामला डरावना हो रखा है पर ठीक है, क्योंकि अभी अपन को दिखा रहा है तारुक की आई थिंक बैक स्टोरी टाइप ऐसा कुछ काइंड ऑफ। आई मीन उसकी वो बैक स्टोरी नहीं कह सकते पर वो क्या बोलते हैं उसके फ्लैशबैक्स दिखा रहा है कीना को। मैं यहाँ से मार सकता हूँ अगर मेरा एंगल सही हो तो, बूम एंड बूम। ओ अच्छा हुआ मुझे कोई सी इन खराब इन्फेक्टेड लोगों से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और दिन हो गया। He must have lost it searching for the children. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. भाई उसको है ना जिंदगी से मुक्ति चाहिए अब। I mean इसका कहने का मतलब वही था ना, मैं बैड वे में नहीं बता रहा पर हाँ वही है कि वो फंसा हुआ एक तरीके से स्पिरिट के रूप में। और तुम्हारी टोपी मिल गई मुझे, सो वही है कि वो बेनी और सायो के लिए लालटेन लेके ढूंढने गया था और खुद बेचारा फंस गया उसी चक्कर में। एनीवेज अपन को जाना है वैसे वहाँ पर, ठीक है चलते हैं। देखो बीच में अगर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहेगी ना मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा, पर वही है कि पूरी चीज़ें इंक्लूड करना मेरे लिए भी दिक्कत है। श्राइन की हेल्प लेते फटाफट ट्रैवल हो जाएगा अपना, जो कि बहुत क्लोज है अपने तारू ट्री। मुझे याद नहीं वो जगह कौन सी, आई थिंक जो अभी दिखा रहा है सीन में शायद वही है। ओ ये वाली जगह है, ओके तो आई थिंक यहाँ पर बॉस फाइट होने वाली है आई थिंक काइंड ऑफ आई डोंट नो पर अरे हाँ नहीं बॉस फाइट नहीं होगी। अरे खुल गए सारे रियल्स, अरे भाई रंगोली भर दी अपन ने, अब क्या करना है भाई? लेट्स गो कुछ प्रोग्रेस हुई फाइनली। कुछ अच्छा काम किया अपन ने आई थिंक, शायद सब चीजें फिर तो सही हो जानी चाहिए है ना। हेलो ओ नो दिस इज वेरी वेरी बैड। तारू करप्ट हो चुका है। ओ नो बॉस फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है। ओके हेलो तारू, तो लालटेन पे मारूं भैंस की, पर इसके पास स्वॉर्ड्स भी है भाई ये तो काट देगा मुझे। वही अपना स्पैम अटैक, देखो इस बार है ना थोड़ा सा ढंग से खेलेंगे। ओके A few moments later. Oh, नहीं तारो देख अच्छे दोस्त बन सकते हैं अपन, ऐसी करने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है मेरी बात? भावनाओं को समझ, भैंस की तेको आजाद कर रहा हूँ मैं, पूर तू इन्हें करप्ट हो गया है, मेरे को इसके पेंडल पे फोकस करना है। फोकस प्लीज़ भाई इसका पेंडल काम नहीं कर रहा भैंस की। अरे भाई एक शॉट नहीं लग रहे मेरे ऊपर से, मैं मार खा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मुझे ये करना था, मैं कैसे भूल जाता हूँ। ओ ये तो बावला हो रहा है, रुको स्पैम चैट आई मीन स्पैम अटैक काम ही क्या वैसे वो। फोकस ऑन द पैंडल, फोकस आई मीन लालटेन,
हाँ भाई अंधा हो गया क्या वो? आई डोंट थिंक सो. नो एक सेकेंड क्या हुआ अभी अभी मेरे साथ? ब्रदर सॉरी ब्रदर. भाई इंस्टेंट ट्रांजिशंस कर रहा है ये गोकू बन के. आई अल्ट्रा इंस्टेंट में आ गया. बेस के रुक जा. कहाँ गया? पैंडल पे अटैक नहीं कर पा रहा. मेरे निशाने नहीं लग रहे. मेरा एम बहुत खटिया है. ओ नो भाई उसने मेरी कमर चटका दी. ऑल राइट मैं बहुत गंदी तरीके से मार खा रहा हूँ इससे ये पता पड़ रहा है. निशाने बेकार जा रहे मेरे. देखो मैं अपना 100% ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं इसको नहीं मार पा रहा सही बताऊँ तो. मेरे निशाने नहीं लग रहे. ओके अब लग गया. अरे हाँ मैंने वो लास्ट टाइम किया था ना धक्का दिया था. इस टाइम भी कर सकता हूँ ऐसा कुछ पर कैसे वो मुझे पता नहीं. मैंने कुछ डिफ्लेक्ट टाइप किया था पर वो कैसे किया था मुझे कोई आइडिया नहीं है. फोकस ऑन द बैज. हरा कराली बेइज्जती है भाई. यस मैंने ऐसा कुछ किया था. हाँ अभी मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया वो. गलती से मैंने उसमें पेंडल पे मार दिया. जितना तुम्हें लगता है ना इजी होगा मारना नहीं है इतना इजी. मर जा साले मर जाने. देखो लास्ट हिट तो मैं उसको ऐसे ही मारना चाहता हूँ पेंडल थ्रू पर वही मुझे मौका नहीं मिल रहा. भाई तू कुछ भी कर ले. मर तो जाना ही है तू. अभी मर जा भाई. हेलो मर भाई तेरी 1 HP बची हुई है अभी भी. ओके इसको वैसे भाई देवे करप्टेड तारों को सही तो कर दिया अपन ने. ओ मिशन अकम्प्लिश. ये फाइनली अब स्पिरिट से बात कर सकते हैं. आई मीन तारू से बात कर सकते हैं. The sickness that took our parents was spreading through the village. Okay. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. Oh. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. The boss said story. I mean, emotional ho gaya hu main. Sahi batau to. वही अभी छोड़ के चला गया होगा.
happened the next morning. अच्छा गया नहीं है, इसके साथ कुछ हुआ है। Whoa. What is that? The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. No. It's okay. You have to go now. बहुत ही सैड था, पर एक टाइम पे वो चीज़ भी काफ़ी सही थी। और या मेडिटेशन करते करते आज इसके एपिसोड को बस यहीं एंड करते। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो देख करके, एंड अगर मज़ा आया है तो यार लेवल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, इसलिए आने वाले वीडियोज़ को तुम लोग मिस नहीं कर दो। एंड मैं मिलता हूँ कि ना के एक नए एपिसोड में, जिसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में जो कंटिन्यू करने वाला है। एंड या See you guys in the next video. Bye-bye.